अब हम अपना पाठ आरंभ करते हैं। ये हमारा नौवां पाठ है, कृपण दंपति कंजूस दंपति या कंजूस पति पत्नी शिक्षण बिंदु। इसमें क्या शिक्षा दी गई है ये भी देख लेते हैं बच्चों, कि जीवने कस्य अपि स्वभावस्य अति हास्यस्य कारणं भवति। जीवने जीवन में कस्य किसी अपि भी स्वभावस्य स्वभाव की अति ज्यादती हास्यस्य कारणं भवति, हंसी का कारण होती है। फिर से देख लीजिए कि जीवन में किसी भी स्वभाव की अति या कोई भी व्यवहार ज्यादती किसी भी चीज़ की ज्यादती हास्य का कारण होती है। आइए बच्चों अपना हम पाठ आरंभ करते हैं। देखिए, कस्मिंश्चित ग्रामे एक है कृपण है सब पत्निया सह निवसति स्म। कस्मिंश्चित किसी ग्रामीण गांव में एक है एक कृपण कंजूस सब पत्निया सह अपनी पत्नी के साथ, सह माने साथ, सब माने अपनी, पत्निया मतलब पत्नी, अपनी पत्नी के साथ निवसति स्म रहता था। किसी गांव में एक कंजूस अपनी पत्नी के साथ रहता था। ये हमने बताया ये पहले कि जीवन में किसी भी स्वभाव की अति या ज्यादती है ना हास्य के कारण होती है, तो यही इसमें है। देखिए, तो किसी गांव में एक कंजूस अपनी पत्नी के साथ रहता था। तस्य पत्नी तस्माद् अपि अधिका कृपणा आसीत्। तस्य उसकी पत्नी तस्माद् उससे अपि भी अधिका अधिक कृपणा कंजूस आसीत थी। तो उसकी पत्नी उससे भी अधिक कंजूस थी। सह कृपणे कस्मैचित् एकम अपि रुपयकम न प्रेषित समय। वह कंजूस सह माने वह, कृपणे माने कंजूस, कस्मैचित् किसी को भी एकम अति अपि रुपया एक भी रुपया नहीं देता था। अपि माने भी होता है ना बच्चों, एकम माने एक, रुपयकम रुपया, न प्रेषित इसमें नहीं देता था। तो वह कंजूस किसी को भी एक भी रुपया नहीं देता था, किसी को एक रुपया भी नहीं देता था। तैल वह भयात सब ग्रहे दीपम अपि न प्रज्वाल्यति स्म। तैल व्यय भयात, व्यय माने होता खर्च करना, तो तेल खर्च होने के डर से सब ग्रहे अपने घर में दीपक भी नहीं जलाता था। प्रतिदिनम सायंकालात् पूर्व स्वपिति समय, और प्रतिदिन यानी कि रोजाना सायंकालात् पूर्व शाम होने से पहले ही स्वपति समय सो जाता था। रोजाना या प्रतिदिन शाम होने से पहले ही सो जाता था। ये देखिए, चलिए आगे देखते हैं। एकस्मिन दिने तस्य कृपणस्य मनसि एकः विचारः आगच्छत्। एकस्मिन दिने एक दिन तस्य उस कृपणस्य कंजूस मनसि मन में, एक दिन उस कंजूस के मन में एक विचार आगच्छत एक विचार आया। स अचिंतित उसने सोचा, यदि अहम नगरम गमिष्यामि तरहि विपुलम धनम प्राप्स्यामि। यदि मैं, अहम माने मैं, नगरम नगर को या शहर को गमिष्यामि जाऊंगा, त्रहि तो विपुलम धन प्राप्स्यामि काफ़ी धन अत्यधिक धन प्राप्त कर लूंगा। आगे देखते हैं। एतत् विचारम स स्वपत्न्या सम्मुखे प्राकटयत्। एतत् विचारम यह विचार स माने उसने अपनी पत्नी के सम्मुखे सामने प्रकट किया। यह विचार उसने अपनी पत्नी के सामने प्रकट किया। कृपणस्य पत्नी गृह कार्यम समाप्य बहिः गमनार्थम यत् किमपि आवश्यकम तत् सर्वं सज्जम अकरोत्। कृपणस्य पत्नी गृह कार्यम समाप्य बहिः गमनार्थम यत् किमपि आवश्यकम तत् सर्वं सज्जम अकरोत्। कृपणस्य पत्नी कंजूस की पत्नी ने गृह कार्य समाप्य घर का काम समाप्त करके बहिः मतलब बाहर गमनार्थम जाने के लिए यत् जो कुछ भी किमपि कुछ भी जो कुछ भी आवश्यक कार्य था वह सब तैयारी कर ली। तो फिर से देख लीजिए बच्चों कि कंजूस की पत्नी ने घर का काम समाप्त करके बाहर जाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक था उस सब की तैयारी कर ली। सायंकाले गृहे तस्य भार्या एकम दीपम प्राज्वाल्यत। शाम के समय घर में उसकी पत्नी ने एक दीपक जला दिया। कृपण है सायंकाले शुभ मुहूर्ते यात्रा आरंभम अकरोत। कंजूस ने शाम के समय में या शाम के समय शुभ मुहूर्त में यात्रा आरंभ कर दी या आरंभ की। तस्य गमनात् परम परिश्रांता पत्नी दीपम निर्वाप्य खटवायम अस्वपत। तस्य गमनात् उसके जाने पर, किसके, कंजूस के, परम परिश्रांता
अत्यधिक थकी हुई परिश्रांता थकी हुई पत्नी ने दीपक को बुझाकर हैं खटवा में अश्वत्थ खाट पर सो गई। उसके जाने पर अत्यधिक थकी हुई उसकी पत्नी दीपक बुझाकर खाट पर सो गई, खटवाएं खाट पर अश्वपत सो गई। आगे देखते हैं, मार्गे दूरम गत्वा कृपणस्य मनसि एषः विचारः स्फुरितः। मार्गे दूरम गत्वा, मार्ग में दूर जाकर, कृपणस्य कंजूस के, मनसि मन में, एषः एक विचारः स्फुरितः विचार आया, है ना, कि जब वो आगे चले गया मार्ग में तो कुछ दूर जाने पर उस कंजूस के मन में एक विचार आया। क्या आया देखते हैं, कि यदि मम पत्निया दीपेन निर्वापितः स्यात् तर्हि वृथा तैल व्यय भवेत्। यदि मेरी पत्नी ने दीपक नहीं बुझाया होगा स्यात् तर्हि तो वृथा तैल व्यय भवेत्, बेकार में ही तेल खर्च होगा। फिर से देख लीजिए बच्चों, कि मार्ग में दूर जाकर कंजूस के मन में एक विचार आया कि यदि मम पत्निया दीपेन निर्वापितः स्यात् तर्हि वृथा तैल व्यय भवेत्, यदि कहीं मेरी पत्नी ने दीपक ना बुझाया हो, यदि मेरी पत्नी ने दीपक नहीं बुझाया होगा तो बेकार में ही तेल खर्च हुआ होगा। एवं विचार्य सह रात्रौ एव गृहं प्रत्यागच्छत्, ऐसा विचार करके वह रात में ही घर को वापस आ गया या वापस लौट आया। गृहं प्राप्य द्वारे खट खट शब्दम एकरोत, घर गृहं प्राप्य द्वारे घर आकर द्वार पर उसने खटखट का शब्द किया, खटखटाया मतलब दरवाजा। पत्नी यदा द्वारम उद्घाटयत तदा गृहे दीपम ज्वलंतम दृष्ट्वा स कृपणः स क्रोधम अवदत्। पत्नी ने जब द्वार उद्घाटित खोला तब घर में दीपक को जलता हुआ देखकर वह कंजूस स क्रोधम क्रोध सहित क्रोध से अवदत बोला, किमर्थम दीपेन निर्वापित है, तुमने दीपक क्यों नहीं बुझाया। एत्या आशंक्या एव अहम अत्र आगच्छम, इसी शक से इसी आशंका से ही मैं घर वापस आया हूँ, इसी आशंका से इसी शक से इसी संदेह से मैं वापस घर आया हूँ। निष्कारणम अत्र तैल व्यय भवति, बेकार में ही यहाँ तेल खर्च होता, धन व्यय अपि और धन भी खर्च होता, कि बेकार में ही यहाँ पर धन भी और तेल भी खर्च होता यदि मैं नहीं आया होता। वही कह रहा है कि इसी यही सोचकर कि तुमने दीपक नहीं बुझाया होगा, यही सोचकर मैं मार्ग से वापस आ गया हूँ, हैं, और मैं ना आता तो बेकार में ही तेल भी खर्च होता और धन भी खर्च होता। आगे देखते हैं, एतत् श्रुत्वा तस्य पत्नी अवदत्, यह सुनकर उसकी पत्नी बोली या उसकी पत्नी ने कहा, नाथ भवतः गमनात् परम एव मया दीपः निर्वापितः। नाथ हे पतिदेव, भवतः आपके गमनात् जाते ही परम एव मया दीपः निर्वापितः, मैंने ये दीपक जो है बुझा दिया था। नाथ आपके जाते ही मैंने दीपक बुझा दिया था। कपाटे खट खट शब्दम श्रुत्वा भवतः आगमनम ज्ञात्वा च इदानीम एव अहम दीप प्राज्वाल्यम। क्या कह रही हैं, कि कपाटे माने दरवाजे, कपाट माने तो दरवाजा, कि कपाटे दरवाजे पर खट खट की आवाज़ सुनकर, शब्द सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, शब्दम आवाज़ या शब्द, कि दरवाजे पर शब्द खटखट का शब्द सुनकर या खटखट की आवाज़ सुनकर ही भवते आगमन ज्ञात्वा आपके आने की जानकर, आपके आने की सोचकर, है ना, और आपके आने को जानकर ही इदानीम एव अहम दीप प्राज वाल्यम, मैंने यह दीपक जलाया है। परंतु आर्यपुत्र वृथा शंक्या प्रत्यागत्य भवान उचितम न अकरोत्। किंतु आर्यपुत्र वृथा माने बेकार में ही, शंक्या शक करके, प्रत्यागत्य आकर, वापस आकर, भवान उचितम न अकरोत्, आपने ठीक नहीं किया। परंतु आर्यपुत्र परंतु बेकार में ही शक करके और वापस आकर के आपने ठीक नहीं किया। अनेन गमनेन आगमनेन च भवते पाद त्राणद्वयम् निश्चित्या घृष्टम जातम। अनेन गमनेन यानी कि आने और जाने से, है ना, आने और जाने में, आगमनेन च इस प्रकार से, गमनेन जाने से और आगमनेन आने से भवते आपकी पाद त्राणद्वय, ये जो जूतियाँ हैं, पाद त्राणद्वयम्
यानी कि आपके दोनों जूते निश्चितया निश्चित ही घृष्टम जातम घिस गए होंगे। कह रहे हैं कि आपने वापस बिना बात का शक करके वापस आकर के ठीक नहीं किया और आने इस प्रकार से जाने और आने से आपकी जो दोनों जूतियां हैं द्वयम माने दोनों पादत्राण मतलब जूतियां निश्चित तौर पर घृष्टम जातम घिस गई होंगी। कृपण इत श्रुत्वा एवदत्त, कंजूस ने यह सुनकर कहा या कंजूस यह सुनकर बोला, प्रिय अहम तादृश मूर्ख नास्मि, कि प्रिय अहम मन मैं तादृश इस प्रकार का मूर्ख मूर्ख नास्मि नहीं हूँ, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ जैसा तुम समझ रही हो। यस्मात् स्थनात् अहम गच्छामि ततः प्रभृति पाद त्राण द्वयम् हस्तेन धृत्वा एव गच्छामि तथैव च आगच्छामि। यस्मात् स्थानात् अहम गच्छामि ततः प्रभृति पाद त्राण द्वयम् हस्तेन धृत्वा एव गच्छामि तथैव च आगच्छामि। यस्मात् यानी कि जिस स्थानात् स्थान से मैं अहम मन मैं गच्छामि आया हूँ, तत्र प्रभृति वहाँ से पाद त्राण द्वयम् दोनों जूतों को हस्तेन धृत्वा हाथों में धृत्वा लेकर या धारण करके ही आया हूँ। कह रहे हैं कि मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ, मैं जिस स्थान से आया हूँ वहाँ से ही ततः प्रवृत्ति वहाँ से ही दोनों जूतों को हाथ में लेकर ही आया हूँ। तत्र प्राप्य उन्हें एतत् पादयोः धारिष्यामि, तत्प्राप्य और उसी स्थान पर जाकर वापस उसी स्थान पर जाकर इनको पैरों में पहन लूँगा। एतत् कथित्वा सह कृपणः पुनः यात्रा आरम्भम अकरोत्, यह कहकर उस कंजूस ने फिर से यात्रा शुरू कर दी। पश्चात तस्य पत्नी च दीपम निर्वाप्य शयनम अकरोत्, इसके बाद उसकी पत्नी ने दीपक को जलाकर शयन किया, यानी मतलब कि इसके बाद उसकी पत्नी दीपक को बुझाकर सो गई। तो देखा बच्चों आपने कितना कंजूस था और मूर्ख भी कितना था, देखा कैसे कि जिस स्थान से आया था उन्हें अपने दोनों जूतों को हाथों में उठा के लाया था, पत्नी उससे ही मूर्ख थी कि वो कह रही थी कि पतिदेव नाथ आपने तो बेकार ही शक किया और बेकार ही आए और आपने आने जाने में अपने जूतों को घिस दिया। तो वो कहता मैं इतना मूर्ख थोड़ी हूँ जैसे तुम सोच रही हो, मैं तो जहाँ से स्टार्ट करी ना, मैंने अपनी जहाँ से मैं रुक के वापस आया हूँ वहीं से मैंने अपने जूतों को अपने हाथ में ले लिया था तो घिसने से बचा लिया, और जब वापस जाऊँगा उसी जगह पर जाके फिर वहीं से पहन लूँगा। तो देखा बच्चों ये कितना हास्य भी हो गया इस कथा में और उनकी मूर्खता भी दिखाई दी, उनकी कंजूसी भी। इसलिए तो कहा है किसी भी चीज़ की ज़्यादती अति ठीक नहीं होती, है ना बच्चों, यही इनकी मूर्खता इनकी कंजूसी दिखाई है कि वो पत्नी उससे भी ज़्यादती, वो कह पहली लाइन में कह रखा था कि उसकी पत्नी उससे भी ज़्यादा, तस्य पत्नी तस्मादपि अधिका कृपणा आसीत, कि उसकी पत्नी उससे भी अधिक कंजूस थी, पर कंजूस होने के साथ साथ मूर्ख भी थी, दोनों ही मूर्ख भी थे, है ना बच्चों। चलिए बच्चों आज आपका ये कृपण दंपति नवम पाठ भी पूरा होता है। मैं बच्चों आपको इसका बुक वर्क भी सेंड करूँगी, क्वेश्चन आंसर भी सेंड करूँगी, आपको अपनी नोटबुक में करना है और बुक का वर्क बुक में करना है। ओके बच्चों।